पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। रविवार रात म्यूजिशियन एआर रहमान ने चेन्नई में एक कॉन्सर्ट किया। यह कॉन्सर्ट इतनी बुरी तरह ऑर्गेनाइज्ड किया गया कि शो के ऑर्गेनाइजर्स और खुद रहमान को फैंस से माफी मांगनी पड़ी। चेन्नई के आदित्यराम पैलेस सिटी में आयोजित हुए इस माराकुम्मा नेंजम कॉन्सर्ट को अटेंड करने पहुंचे फैंस को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओवर क्राउडिंग के चलते जहां एक तरफ कुछ फैंस को हजारों रुपए की टिकट खरीदने के बाद भी कॉन्सर्ट में एंट्री नहीं मिली, वहीं कुछ फैंस कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद बाहर निकलते हुए धक्का मुक्की के शिकार हुए। कुछ ने दम घुटने की भी शिकायत की। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने यह भी दावा किया कि कॉन्सर्ट के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की गई। वहीं कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां बच्चे ओवर क्राउडिंग की वजह से घबराकर रोते नजर आ रहे हैं। कॉन्सर्ट में पार्किंग के लिए भी सभी को खूब परेशान होना पड़ा। इवेंट से लौटकर कई फैंस ने सोशल मीडिया पर रहमान और शो के ऑर्गेनाइजर्स को जमकर ट्रोल किया। विवाद बढ़ता देख कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स ACTC इवेंट्स ने रहमान के फैंस से माफी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इनक्रेडिबल रिस्पांस और जबरदस्त भीड़ ने हमारे शो को भारी सफलता दिखाई। जो लोग भीड़ भाड़ के चलते कॉन्सर्ट अटेंड नहीं कर सके उनसे हम माफी मांगते हैं। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और हम ही जवाबदेह हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।